जीवाना में जिला स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। 68वीं जिला स्तरीय छात्र छात्रा वर्ग वॉलीबॉल प्रतियोगिता का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जीवाना में सोमवार को समारोह पूर्वक उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम सीबीओ भोलाल परमार के मुख्य अतिथि व सरपंच उत्तम सिंह दवेसा की अध्यक्षता में हुआ। बतौर विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व प्रधान राम प्रकाश चौधरी, खेलकूद प्रतियोगिता के संयोजक पुखराज मौजूद रहे। कार्यक्रम में आगंतुक मेहमानों का विद्यालय परिवार द्वारा साफा माला पहनाकर बहुमान किया गया। तत्पश्चात माँ सरस्वती की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व प्रधान राम प्रकाश चौधरी ने बालिका शिक्षा पर जोर देते हुए बालिकाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की अभिभावकों से आग्रह करते हुए खेलों में बढ़ावा देने की बात कही। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीबीओ परमार ने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि पढ़ाई के साथ साथ बालिकाओं को खेल प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। इस प्रतियोगिता के अंदर कुल 50 टीमें के लगभग 600 खिलाड़ी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। ये प्रतियोगिता दिनांक 23/9 से 27/9/24 तक 5 दिन तक ये प्रतियोगिता चलेगी। इस प्रतियोगिता के उद्घाटन सत्र के अंदर गांव के गणमान्य नागरिकों बामा साहब कि जो भी व्यवस्था आपने की है 5 दिन तक आप कर रहे हैं, आप बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने अपने धन का सदुपयोग किया। साथियों, या जो भी निर्णायक बंधु आए हुए हैं, आज से करीब 20-30 साल पहले की, 25 साल पहले की अपन बात करें तो जो भी टीमें जाती थी वहां भामाशाह की व्यवस्था नहीं होती थी। जो भी शारीरिक शिक्षक यहाँ पे हैं, उनको वो दिन याद होगा जब खेलने के लिए जाते थे तो आटा दाल जो भी व्यवस्था तेल वो यहाँ से साथ में लेकर के जाना पड़ता था। आप जो भी छात्र और छात्राएं हैं बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसे भामाशाह मिले हैं। वैसे जीवाना यूपी भामाशाहों की नगरी है और यहाँ पे पैदावार की कोई कमी नहीं है, अनार की मंडी है। तो भामाशाह भी दिल खोल करके आपके लिए धन खर्च कर रहे हैं। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, आशा व्यक्त करता हूँ कि आप जिला स्तरीय इस खेलकूद प्रतियोगिता से आगे स्टेट और नेशनल तक जाएंगे। साथियों, हम कोई भी काम को पूर्ण विश्वास लगन के साथ करते हैं तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलती है। मैं एक बार पुनः आपको शुभकामना देता हूं क्योंकि हार और जीत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हर खेल में एक टीम जीतती है तो दूसरी हारती है। जीतने वाले को टीम शुभकामनाएं, और जो टीम पिछड़ जाती है उनसे अनुरोध है आप निरंतर रूप से प्रयासरत रहे, निश्चित रूप से आगे आपको सफलता मिलेगी।